बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आपको जो है वो कार्य करने होंगे। सबसे पहली बात है कि यदि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है तो हमारा कोई उद्देश्य होगा। हम इस पृथ्वी पर आए हुए हैं तो केवल इसलिए नहीं आए हुए कि बस हम खा ले, घूम ले, सो ले, यही हमारा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हमें इस पृथ्वी से, जब हमने इस पृथ्वी पर आए हैं तो इसका भी ऋण है, उन गुरुओं का भी ऋण है, उन देवताओं का भी ऋण है, हमारे पूर्वजों का भी ऋण है। और आज जो हिंदू बैठे हुए हैं उन पर उनके पूर्वजों का ऋण इसलिए है कि आज तुम लोग उन विधर्मियों की तरह अपना धर्म छोड़ करके विधर्मी नहीं बने हो। तुम्हारे पुरखों ने न जाने कितना बलिदान दिया होगा जो आज तुम हिंदू बने। दिन रात जानवरों की तरह काम करके बनाइए बढ़िया कोटी, खरीदिए बढ़िया गाड़ी, पैदा कीजिए एक फूल सी बेटी, पैदा कीजिए एक बच्चा। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, शेर का बच्चा एक ही अच्छा।